नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह वीडियो रहने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यह निमी के क्वेश्चन और न्यू PDF के क्वेश्चन है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Which of the option is not employability skill? इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल्य नहीं है? क्या पूछा है क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसके बाद जो है आपको एक बार भी पढ़ेंगे तो उसको फिर से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को और वीडियो को लास्ट तक देखिए। Which of the option is not an employability skill? इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल्य नहीं है? क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। गुड रनर यानी एक अच्छा धावक, गुड इंटरव्यू स्किल अच्छा संचार कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल यानी अच्छा संचार कौशल, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्विक लर्निंग यानी त्वरित शिक्षा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गुड रनर यानी अच्छा धावक, इनमें से क्या नहीं है, विकल्प रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यह एक अच्छा रनर यानी अच्छा धावक, यह जो है यहाँ पर रोजगार कौशल नहीं है। और इन तीनों में से हमें क्या है, रोजगार कौशल पाने में यहाँ पर जो है मदद मिलेगी, लेकिन इससे नहीं। एन एम्प्लॉयज इज समवन हु, एक कर्मचारी वह होता है, कैसा होता है, गोज टू स्कूल स्टडी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, डज नॉट वर्क काम नहीं करता है, वर्क फॉर सैलरी तनख्वाह के लिए काम करता है, गोज टू प्ले यानी खेलने जाता है। यानी क्या पूछा है, एन एम्प्लॉय इज समवन हु यानी एक कर्मचारी वह होता है, यानी कर्मचारी क्या होता है, जिसके अंदर कौन सा गुण होता है, यानी वह कौन सा काम करता है कि वह पहचाना जाता है अपने काम के वजह से, तो वह क्या काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्क फॉर अ सैलरी तनख्वाह के लिए काम करना करता है, यह जो है उसकी खासियत है एक एम्प्लॉय की। विच आर द टू स्किल नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ यानी अच्छे करियर विकास के लिए, अच्छे करियर विकास के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक है, सिंगिंग यानी गायन, डांसिंग यानी नृत्य, गार्डनिंग करना यानी बागवानी करना यानी गार्डन की देखभाल करना, उसे बागवानी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल्य। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, अच्छे करियर विकास के लिए कौन से दो कौशल की आवश्यकता है, यानी अच्छा हमारा करियर बनाने के लिए, गुड करियर के लिए यहाँ पर अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से दो कौशल हमारे अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल होनी बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यह दो जो यहाँ पर स्किल है यह हमारे अंदर करियर ग्रोथ के लिए आवश्यक है। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज, तो क्या है, गोपी क्या करता है, हमेशा सीखने और अपने काम करने में, काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है। गोपी एक लड़का है और क्या करता है, वह हमेशा यानी ऑलवेज लर्न एंड अपने काम में इम्प्रूव करने की यहाँ पर तैयारी में लगा रहता है, यानी हमेशा अपने जो स्किल है उसको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके पास क्या है, लव सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र है, ग्रोथ माइंडसेट है यानी विकास की मानसिकता है, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, मार्क कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर गोपी के पास क्या है, तो गोपी के पास है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता है उसके अंदर, यानी गोपी क्या क्या करता है, हमेशा काम को सीखता है और अपने काम में और सुधार करता है। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, क्या पूछा है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, स्किल टू गेट अ जॉब, जॉब यानी नौकरी पाने के लिए कौशल, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय यानी आपके अंदर एक स्किल है जो कि अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन अच्छे संचार के लिए आपके अंदर एक कला है कि आप अच्छे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यानी क्या, संचार यानी आप अच्छे से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से सभी। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, देखिए रोजगार कौशल का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी।
रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए आपका जो है यहाँ पर गुण होने चाहिए आपके अंदर, उसे ही रोजगार कौशल कहते हैं। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल से सीख ही रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए अनलर्निंग कहते हैं, टीचिंग कहते हैं यानी शिक्षण, ई लर्निंग कहते हैं या मार्केटिंग कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? ऑनलाइन ही सीख रहे हैं ना, हम आपको सिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ई लर्निंग कहते हैं या डिजिटल लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ई लर्निंग कहते हैं। जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है? देखिए ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है? जब आप ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसका लाभ यानी बेनिफिट क्या है? देखिए वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर, हम कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन का यह एक फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिकम फ्रेंड विथ अवर क्लासमेट, हमारे सहपाठियों के दोस्त बने हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गो होम फास्ट, घर जल्दी जाओ, इसका भी कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सी द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय देखो, तो यहाँ पर क्या है, यह इसका भी कुछ यहाँ पर इससे ऑनलाइन सीखने के लाभ में संबंध नहीं है। तो ऑनलाइन सीखने का एक लाभ यानी बेनिफिट क्या है? तो वी कैन लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर, हम कभी भी और कहीं भी और कैसे भी यहाँ पर सीख सकते हैं। आप बैठे बैठे सीख सकते हैं, आप खड़े रहकर सीख सकते हैं, आप कैसा भी सीख सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो है कोई भी आपको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप क्लास में सीखते हैं तो आपको एक वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आप ऑनलाइन सीखते हैं तो उसमें ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, आप कहीं भी और कहीं भी सीख सकते हैं। यह एक इसका बहुत ही बढ़िया आपको बेनिफिट मिलता है। विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल, इनमें से कौन सा रोजगार कौशल्य पोर्टल नहीं है? क्या पूछा है? रोजगार कौशल पोर्टल नहीं है, इनमें से एक रोजगार पोर्टल कौशल्य नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा? देखिए फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। देखिए यह जो है यह सोशल मीडिया है, फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार क्या है? नेटफ्लिक्स यह OTT प्लेटफॉर्म है और हॉटस्टार भी उसी में आता है। लेकिन भारत स्किल जो है यहाँ पर क्या है, यह एक रोजगार कौशल्य पोर्टल है। इसके मदद से जो है हम यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन और रोजगार कौशल के बारे में जानते हैं। राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी, यानी राम क्या करता है, एक कंपनी में फिटर का काम करता है। ही वॉन्ट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हीज फ्री टाइम, यानी राम अपने खाली समय में व्यापार कौशल यानी अपने ट्रेड स्किल और रोजगार स्किल को क्या करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है। वॉट शुड ही डू यानी उसे क्या करना चाहिए, वह क्या करेगा, वह खेल खेलेगा, वह समाचार देखेगा, वह क्या करेगा, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स खोजेगा, या वह नौकरी छोड़ेगा। तो राम क्या करेगा, तो राम करेगा ऑप्शन नंबर सी, फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, वह कोर्स खोजने के बाद वह उसे ज्वाइन करेगा और यहाँ पर अपने जो भी ट्रेड के स्किल है उसमें वह क्या करेगा, वह इम्प्रूव करेगा और उसका बेनिफिट उसको भविष्य में ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो का एक लाइक, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है यह न्यू PDF और NEEMA के क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह PDF भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीना वॉन्ट टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक शी नीड आर, जीना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, किताबें है, पेन और पेपर है,
और मोबाइल फोन या कंप्यूटर है या नए कपड़े यानी न्यू क्लॉथ। देखिए यहाँ पर जीना क्या करना चाहती है, ई लर्निंग कोर्स करना चाहती है। देखिए यहाँ पर ई लर्निंग कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए आपको इम्पॉर्टेंट नहीं पूछा है, सबसे इम्पॉर्टेंट यानी उसके बिना जो है यहाँ पर ई लर्निंग हो ही नहीं सकती है। तो वह कौन सी दो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से, बुक तो नहीं आएगा, पेन और पेपर भी नहीं आएगा, यहाँ पर न्यू क्लॉथ यानी नए कपड़े की भी उसको ज़रूरत नहीं है। ई लर्निंग कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, एनरोल करने के लिए या नामांकन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के बिना जो है जीना यहाँ पर ई लर्निंग कोर्स में यहाँ पर एनरोल नहीं कर सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन टूडेज टाइम स्किल हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स, आज के समय में कई नौकरियों में कौशल की एक बुनियादी कौशल पर आवश्यकता बन गई है। यानी क्या पूछा है, इन टूडेज टाइम यानी आज के समय में स्किल हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट, कई नौकरियों में यहाँ पर जो है कौशल की एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बनी गई है। यानी यहाँ पर कौन से कौशल की आवश्यकता बन गई है, एक्टिंग की, डिजिटल की, पेंटिंग की या डांसिंग की, तो आपके पास कौन सा ऐसा कौशल होना चाहिए जिसके कि यहाँ पर बेसिक स्किल में उसकी रिक्वायरमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पर डिजिटल कौशल एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है यानी रिक्वायरमेंट बन गई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड द प्लैनेट, नौकरियाँ प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है, कौन से नौकरियाँ, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन या कारपेंटर, तो कौन सी ऐसी नौकरियाँ है जो क्या करती है प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है, तो ऐसी कौन सी नौकरियाँ है, सॉफ्टवेयर की नौकरी है, हार्डवेयर की है, ग्रीन है या कारपेंटर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन जो नौकरियाँ है वह जो है यहाँ पर प्रदूषण कम करती है, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में यहाँ पर मदद करती है। ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, दे हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, दे मेक मोर पोल्यूशन, वे अधिक प्रदूषण करते हैं, इट इज इजी टू डू, यह करना आसान, इज फॉर सिटी एम्प्लॉयज, यह शहर के कर्मचारियों के लिए है, तो यहाँ पर ग्रीन जॉब्स क्यों महत्वपूर्ण है यह यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ये, दे हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वे क्या करते हैं पर्यावरण की रक्षा करने में यहाँ पर मदद करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर ग्रीन जॉब्स इतने महत्वपूर्ण हैं। गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, सी ज्वाइंड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर स्किल, यानी यहाँ पर गीता क्या की है, गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, कंप्लीटेड हर एजुकेशन, और वह क्या कर रही है अपने कौशल को सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, तो वह अंग्रेजी पाठ्यक्रम का जो यह एक कौशल है वह कौन सा कौशल है, डांसिंग का है, फाइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है या नन यानी कोई भी नहीं है, तो वह कौन से कौशल के सुधार के लिए यहाँ पर बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह कम्युनिकेशन यानी संचार कौशल में सुधार करने के लिए वह क्या की है अंग्रेजी पाठ्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो चुकी है। सैम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप उसे कौन सा विकल्प सुझाएंगे, देखिए राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस यानी राम प्लानिंग कर रहा है उसका खुद का एक बिजनेस चालू करने का, तो आप उसको है कौन सा बिजनेस चालू करने के लिए सजेस्ट करेंगे, आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑनलाइन रिटेल यानी ऑनलाइन जो है यहाँ पर बेचने की यहाँ पर आप उसका सजेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑडियो कैसेट शॉप यानी आप उसको
ऑडियो कैसेट की दुकान खोलने का सजेशन देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फिल्म वर डी, आप उसको जेरोक्स शॉप की दुकान खोलने के लिए कहेंगे। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, यानी आपको जो है कौन सा उसको शॉप ओपन करने के लिए सजेशन करना चाहिए, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम को जो है यहाँ पर ऑनलाइन रिटेल यानी ऑनलाइन जो है यहाँ पर बिक्री व्यवसाय चालू करने के लिए यहाँ पर आपको जो है सजेशन देना चाहिए। तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर यह 15 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट्स का यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।